सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़, सच को रखे आपके आगे। कल रात 10 बजे से 10:30 बजे के दरमियान मासापेंग के करीब एक तेज रफ्तार i20 कार जो दो लोगों को एक्सीडेंट करते हुए राह फरार अख्तियार कर ली है, इस हादसे में दो नौजवान शदीद जख्मी हो गए। जैसे ही ये इत्तला माजिद हुसैन नामपल्ली AIMIM के MLA को मिली, फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मियों को दवाखाने में इलाज के लिए शरीक करा दिया और पुलिस से ये दरखास्त की कि एक्सीडेंट करके भागने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। माजिद हुसैन ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज करीबन 10:30 बजे मासब टैंक मेन रोड पे एक i20 से कई लोगों को टक्कर मारकर यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें से 4-5 अफराद जख्मी हुए, एक अफराद जरा ज्यादा तौर पे जख्मी हुए, एक अफराद के पूरा अंगूठा निकलने पे आ गया और वो बाकी के थोड़े अफरादों को चोट भी लगी। जैसा इत्तला मिली फौरन हम यहाँ पे पहुंचे और इनका इलाज यहाँ किंगस्टन हॉस्पिटल में फौरी तौर पे शुरू कराया गया। जो भी टक्कर मिलता हम करेंगे इलाज, फिक्र मत कर, शुरू में जो जो है ना वो कर लेंगे, फिर एक आध दिन में उन्हें बोले अपने घटता आपने। और रही अभी पुलिस महकमे से भी बात हुई है, वो CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो ये हादसा जिस गाड़ी से हुआ है और जो ड्राइवर था उसको जल्द से जल्द इंशाल्लाह पुलिस ने मुझे तवक्कुन दिया है कि उनको हिरासत में लेंगे और उनको फौरी तौर पर उनके इकदाम लेंगे। मगर देखने की बात यह है कि रमज़ान का महीना था और सब लोग तरावी से निकल रहे थे और ऐसे लोगों को जख्मी किया गया जो बेइंतहा गरीब है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ ठहरे और पूरी तौर पर उनका इलाज मुकम्मल करा कर ही यहाँ से रवाना करेंगे इंशाल्लाह। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़।